रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल रेनबो सेवन। सबसे पहले निवेदन, यदि चैनल पर नए हैं तो मैं टूरिस्ट या पर्यटकों के लिए उपयोगी सूचना निरंतर लाता रहता हूं, वो भी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और खासकर मनाली से रिलेटेड। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, फिर आप मनाली की खूबसूरती में खो न जाएं, इसलिए अभी लाइक कीजिएगा। आज मैं दो अपडेट लेकर आया हूँ, वो दोनों ही अपडेट है वो आपको थोड़ा सा दुख पहुँचा सकती है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले मई जून जुलाई के महीने में देश दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वो बर्फ़ से रूबरू होने के लिए, उस पर एक्टिविटी करने के लिए पसंद की जगह है मनाली आना पसंद करते हैं। और वहाँ रोहतांग पास दर्रा खुलने वाला था, उसको कार्य को धक्का लगा है। बीआरओ की टीम ने बहुत ही मेहनत से काम किया है, दिन रात लगकर। उनको एक मेरी ओर से बिग बिग सैल्यूट, आप भी बिग सैल्यूट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दिन रात करके मेहनत करके उन्होंने सड़क बहाली का काम लगभग पूरा होने वाला था। मंगलवार को 8 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से उनकी उम्मीदों पर और आने वाले सैलानियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब रोहतांग पास है, उसकी बीआरओ की टीम है वो वापस लग गई है उतनी ही मेहनत से, और वो सड़क है वो जल्दी ही साफ कर दी जाएगी। अब मैं बता दूं कि बीआरओ टीम है उसमें कितना काम प्रभावित हुआ है और कहां कहां स्नोफॉल हुआ है, क्योंकि कई लोग ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं जो मनाली से पीक ऊंची चोटियां होती हैं उन पर, तो यदि उन पर जाने का प्रोग्राम है उससे पहले ये बात सुन लें। मनाली की ओर से बीआरओ की सड़क से बर्फ़ हटाते हुए 53 किलोमीटर दूर रोहतांग पास के पास पहुंच गया था बीआरओ, रोहतांग पास के नज़दीक पहुंच गया था। दूसरी ओर से जो लाहौल स्पीति है उसकी तरफ से भी एक टीम लगी है, वो बीआरओ कोक्सर से आगे ग्रामफू जगह का नाम है पहुंच गया था। बर्फबारी होने के कारण यानी स्नोफॉल होने की वजह से रोहतांग पास में चल रहा बीआरओ की सड़क बहाली का कार्य बहुत ही डिस्टर्ब हुआ है। पर्यटन नगरी मनाली सहित समस्त कुल्लू घाटी में लगातार बारिश का दौर जारी है। ध्यान दीजिए, ऊंची चोटियों पर जब मनाली के अंदर बारिश होती है तो ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल होती है, क्योंकि वहाँ ऊँचाई पर तापमान कम होता है। रोहतांग दर्रे सहित मकर बेद, शिखर बेद, यह है उन चोटियों के नाम जहां लोग अक्सर ट्रैकिंग के द्वारा जाते हैं, इसलिए यदि आप प्लान बना रहे हैं तो वहां स्नोफॉल हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए मैं इनका नाम बोलना उचित समझ रहा हूं। हनुमान टीबा, इंद्र किला, हमता पास, रानी सुई, भरगु लेक, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ भी स्नोफॉल हुआ है। पहले भी बर्फ़ हटी नहीं थी, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए भरगु लेक के, अभी वो खुला नहीं है, खुलेगा तो मैं अपडेट डालने का प्रयास करूँगा। दसोहर झील, चंद्र सखी, चंद्रखनी, फौजल ज्योत, नगर की ऊंची पहाड़ियों, पांडुरोपा सहित रोहतांग के उस जो पार जो बारा लांचा पास है सहित सिंकुला, दारचा की पहाड़ियाँ, लेडी ऑफ केलांग, नीलखट ज्योत, कुंजम ज्योत, छोटा और बड़ा सिंगरी ग्लेशियल बर्फ़ के फाये गिर रहे हैं, यानी स्नोफॉल हुई है। मढ़ी का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसका मैं लिंक आई बटन पर दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। व्यास नाला, राहुल फाल और अंजनी महादेव जो सोलांग वैली से 2 किलोमीटर ट्रैकिंग पर है वहाँ भी स्नोफॉल हुई है, और यदि आप अंजनी महादेव जाना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं आई बटन पर लगा दूंगा, अच्छी जगह है, आप ज़रूर जाइएगा। अब ध्यान दीजिए, मंगलवार को यह बंद होता है, बड़ी सूचना होती है। रोहतांग पास का जो रास्ता है फिलहाल मंडी तक खुला है। मंडी कहाँ है? रोहतांग पास से 15 किलोमीटर पहले, वहाँ भी बर्फ बहुत सारी है, वहाँ आप जा सकते हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है यदि आप मनाली आए हुए हैं तो। वहाँ मंगलवार को बंद रहता है, ध्यान दीजिए, मंगलवार को, हमेशा ट्यूसडे को बंद रहता है, क्योंकि जो बीआरओ है उस सड़क का मेंटेनेंस करता है, क्योंकि इससे जो सैलानी है टूरिस्ट है उनको एक्सीडेंट न हो जाए, इस प्रकार की कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए यह प्रक्रिया हमेशा ही के लिए चलती है जब टूरिस्टों के लिए, ध्यान दीजिए ये टूरिस्ट के लिए बंद हुआ है,
यदि लाहौल स्पीति से इस तरफ कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए बंद नहीं होगा। रोहतांग पास कब खुलेगा ये कहा नहीं जा सकता, सब ये प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति की माया है। जैसे ही खुलेगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। और दूसरी खबर जिसको मैं बुरी खबर कहूँगा, मनाली बाइक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं केशवराम ठाकुर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा है कि जो बाइक रिलेटेड इश्यू था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, मैं आई बटन पर डाल रहा हूँ, उसको देखिएगा। क्योंकि मनाली से जो बाइक जाती है वो लेह लद्दाख में उनको प्रॉब्लम फेस होती है, इसलिए उन ये अनबन चल रही थी ले बाइक एसोसिएशन के और मनाली बाइक एसोसिएशन के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनका अभी सॉल्यूशन नहीं आया है। जैसे ही कोई सॉल्यूशन आएगा तो मैं उसको अपडेट करा दूंगा। मैं उनका वीडियो क्लिप जो वीडियो क्लिप थी, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं नहीं डाल पाया, यदि आप कहेंगे तो मैं उसको भी सुना सकता हूँ। तो उनको केशव राम जी ठाकुर जो प्रयास करें उनको भी बड़ा धन्यवाद। उनसे वो लेह लद्दाख के SDM से बातचीत हुई थी और दोनों अपने अपने वहाँ पक्ष रखेंगे। तो हो सकता है कि जो जैसे ही ये रोहतांग पास खुलेगा उसके बाद ये मामला सोल्व हो जाए। तो अब निवेदन, वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं भाई साहब। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।